हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको अ फेस इन द डार्क चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं इस कहानी को आपको पूरा हिंदी में बताने का कोशिश करूंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ फेस इन द डार्क। कहानी शिमला के हिल स्टेशन के बाहरी इलाके में एक चीड़ के जंगल में स्थित है। चीड़ के जंगल मतलब पाइन फॉरेस्ट। मिस्टर ऑलिवर, जो कि एंग्लो इंडियन शिक्षक थे, जो अभी भी एक कुंवारे थे, एक रात देर से अपने स्कूल लौट रहे थे। वह कई वर्षों से अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे, पर अब वह शाम को शहर में टहलते थे और चीड़ के जंगल का शॉर्टकट लेते हुए अंधेरे से होकर लौटते थे। कभी कभी जब तेज हवा चलती थी तो चीड़ के पेड़ उदास और भयानक आवाज़ करते थे, जिसे सुनकर लोग मुख्य मेन रोड पर रुके रहते थे। लेकिन मिस्टर ऑलिवर घबराए या कल्पनाशील व्यक्ति नहीं थे, मतलब मिस्टर ऑलिवर उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं करते थे। उस दिन उन्होंने अपनी टॉर्च ले रखी थी, लेकिन बैटरी नहीं चल रही थी। अचानक टिमटिमाती रोशनी एक चट्टान पर अकेले बैठे एक लड़के पर पड़ी। मिस्टर ऑलिवर ने कहा, लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर ऑलिवर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि लड़का सर झुका के रो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसका शरीर कांप रहा था। वह एक अजीब ध्वनिहीन रोनी थी। मिस्टर ऑलिवर ने कहा, अच्छा क्या बात है जिसके लिए तुम रो रहे हो? लड़के ने ना तो देखा और ना ही उनके प्रश्न का उत्तर दिया। मिस्टर ऑलिवर ने कहा, चलो लड़के, तुमको इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? लड़के ने ऊपर देखा और मिस्टर ऑलिवर के चेहरे का भाव बदल गए। लड़के के पास कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गोल चिकनी गेंद थी। उसके पास कोई आँख, कान, नाक या मुंह नहीं था। शिक्षक के हाथ से टॉर्च गिर गई और वह जितनी तेजी से भाग सकते थे उन्होंने भागा, और वह पेड़ों के माध्यम से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वह सांस लेने के लिए हाँफते हुए चौकीदार के पास पहुँचे। पहरेदार ने कहा, क्या बात है साहब, क्या कोई दुर्घटना हुई है? मिस्टर, आप क्यों भाग रहे हैं? ऑलिवर ने कहा, मैंने कुछ देखा, कुछ भयानक। एक लड़का जंगल में रो रहा था और उसका कोई चेहरा नहीं था। चौकीदार ने कहा, चेहरा नहीं था साहब? ऑलिवर ने कहा, आँख, नाक, मुंह कुछ नहीं था। चौकीदार ने कहा, क्या आपका मतलब इस तरह? पहरेदार के पास कोई आँख, नाक या मुंह नहीं था। तभी तेज हवा ने लालटेन बुझा दिया। गाइज, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई वर्ड समझ नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 24 आवर्स के विदिन उसका रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।